दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बर्फ से ढके पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी कर दी है। इसकी वजह से लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को तापमान में और अधिक कमी आएगी। इसके बाद मंगलवार से एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगेगी। पहाड़ों पर सक्रिय हुआ वेस्टर्न डिस्टरबेंस अब आगे बढ़ गया है। इसकी वजह से ठंडी हवाएं राजधानी में पहुंच रही हैं। माना जा रहा है कि सोमवार के बाद हवाओं की गति कुछ कम हो जाएगी, जिससे तापमान एक बार फिर बढ़ने लगेगा। आज तेज हवाओं के साथ आसमान साफ रहेगा। हवाओं की गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी। कभी कभी हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती हैं। इसी वजह से अधिकतम तापमान सिमटकर महज 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक आ सकता है। 14 फरवरी से हवाओं की रफ्तार कम हो जाएगी। इनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे ही रह जाएगी। इसकी वजह से तापमान में इजाफा भी शुरू हो जाएगा। इस दिन अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रह सकता है। इसके बाद 15 से 17 फरवरी तक आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास रह सकता है। 18 फरवरी को तापमान 30 डिग्री के स्तर को छू सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। इस दिन हल्के बादल भी देखने को मिल सकते हैं, हालांकि अभी बारिश का कोई संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि रविवार के बाद पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी कम होने की संभावना है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के गुजरने के बाद हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगी। इस वजह से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गुड़गांव समेत दक्षिण हरियाणा में तापमान में गिरावट हो सकती है और हल्की ठंड भी बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि 14 फरवरी तक न्यूनतम तापमान कम ही रहेगा। इसके बाद 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि होगी। तब तक 20 से 30 किलोमीटर तक की तेज हवाएं चलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और धूप भी खिली रहेगी, लेकिन हवाओं के कारण दिन के तापमान में वृद्धि नहीं हो पाएगी। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।